क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज डेलिब्रेटली डिजाइन टू समर्ज द इंडिविजुअल। किहड़े टाइप का जो डिसिप्लिन आ वह इदा का डिजाइन किया गया आ कि कोई भी जो इंसान आ एक इंसान वो पूरी तरह मतलब उन्हों हक भी मिल जाए अपने अधिकार भी मिल जाए और पूरी तरह वो कंट्रोल च भी रहे। इदा का किहड़े टाइप का डिसिप्लिन आ। Totalitarian discipline with its slogan shouting masses is deliberately designed to submerge the individual। Totalitarian discipline जड़ा आ जिदे विच नारेबाजी हुंदी आ लोग शामिल हुंदे ने यही इदां दा एक आ कि जिदे विच इंसान जड़ा सारी सोच विचार कर सकदा। Totalitarian discipline means a system of government in which there is only one political party that has complete power and control over the people। Totalitarian discipline च की हुंदा है किदां दा सिस्टम हुंदा है government system हुंदा है जिहदे विच सिर्फ एक ही political party हुंदी है और उहदे कोल ही सारी ताकत सारा control हुंदा लोकां दे उपर उही लोकां नूं control करदी है। Next is question number 15, how does the author comment the role of British Railway signalman in the last war। author ne jehda role a British Railway da signalman da o last war de vich ohnu kive explain kita hoya। answer is the author says that in the blitz of the last war pichle jadon hamle hoye ne not even a single British Railway signalman left his post। ek vi signalman ne railway de vich jehde britishers si ohna ne उन्होंने एक भी सिग्नलमैन ने अपनी पोस्ट नहीं छड़ी। दे स्टूड इन द हार्ट ऑफ द टारगेट एरिया और उन्होंने अपने पूरा एक जगह का निशाना बना लिया और उत्थे पूरे अड़े रहे। दे डिडंट लीव देयर प्लेस उन्होंने बिल्कुल अपनी जगह नहीं छड़ी। दे पुट देयर जॉब बिफोर दैमसेल्व उन्होंने अपनी नौकरी नू पहला रखिया। दे न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर वर्क फॉर देयर कंट्री उन्होंने ये चीज़ भी पता आ कि उन्होंने जोड़ा काम है उन्होंने देश लिए कि महत्वपूर्ण आ। Next is question number 16, how can a nation overcome an economic or military crisis। अगर किसी राष्ट्र के उपर इकनोमिकली अगर वो उत्ते आ जाती है प्रॉब्लम आ जाती है या मिलिट्री या इकनोमिकली दोनों के तरह ही अगर वो संकट कोई आ जाता है तो वो तो किवें उभर सकता। आंसर इज अ नेशन कैन ओवरकम एन इकनोमिक और मिलिट्री क्राइसिस विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन ओनली। सिर्फ एक डिसिप्लिन की हेल्प नाल ही वो इस चीज़ तो उभर सकते हैं। एनी नेशन विदाउट डिसिप्लिन श्योरली गोज टू द डॉग्स। कोई भी राष्ट्र है जो अगर वो डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो दुर्दशा पक्की है। एंड नो वर्क और प्रोग्रेस इज पॉसिबल विदाउट अ डिसिप्लिन लिविंग और कोई भी काम जड़ा है वह सफल नहीं हो सकता डिसिप्लिन तो बिना। रैदर देयर इज बाउंड टू बी कन्फ्यूजन डिसऑर्डर एंड चाउस की होगा हर तरफ हफड़ा दफड़ी अवस्था शांति अशांति जी होनी शुरू हो जाएगी। सो इट्स लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मीन्ड बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो इतने ऑथर का की मतलब आ। आंसर इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर डेमोक्रेसी मीन्स दैट रिस्पोंसिबिलिटी इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड नो वन कैन अवॉइड डूइंग समथिंग ही शुड डू। हुण इत्थे ऑथर दे अकॉर्डिंग जिहड़ी डेमोक्रेसी आ उह इक रिस्पोंसिबिलिटी आ और कोई भी इस चीज़ तो भज नहीं सकता इस चीज़ नूं अवॉइड नहीं कर सकता। ही शुड डू उहनूं कुछ ना कुछ करना पवेगा। ही सेज दैट अ नेशन कैन ओवरकम एन इकनोमिक और मिलिट्री क्राइसिस विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन। और वो की कह रहा ऑथर की कह रहा कि हाँ कोई भी देश आ राष्ट्र आ वो ता ही इकनोमिकली मिलिट्री क्राइसिस तो उभर सकता अगर उहदे विच डिसिप्लिन होगा। मीनस डेमोक्रेसी की एक रिस्पोंसिबिलिटी है जिन्हों अवॉयड नहीं कर सकता कोई अगर किसी से कोई रिस्पोंसिबिलिटी आ जाती है तो उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटी पूरी तरह निभानी पैंती है। सो इट्स योर शॉर्ट क्वेश्चंस, लर्न एंड ट्राइड दीज शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ लेसन लिबर्टी एंड डिसिप्लिन।